हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं अमेरिकन ऑथर्स और अमेरिकन ऑथर्स में रॉबर्ट फर्स्ट को कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑथर यानी विलियम फॉकनर को। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम फॉकनर की बायोग्राफी को पॉइंट वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ साथ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, विलियम फॉकनर की अगर बात करें तो इनका जो पूरा नाम था वो था विलियम कथबर्ट फॉकनर। विलियम कथबर्ट, फॉकनर। और ये जो स्पेलिंग है फॉकनर, FAULKNER, फॉकनर, एक्चुअल में जो ओरिजिनल सरनेम था इनका वो था फॉकनर। ओरिजिनल जो था फॉकनर ये था। लेकिन हुआ क्या फ्रेंड्स, एक एडिटर ने, जो अर्ली एडिटर था, उसने क्या किया, इनका जो नाम था, सरनेम की जो स्पेलिंग है वो बाई मिस्टेक वो लिख दी फॉकनर। ये यू जो है ये बाय मिस्टेक लिख दिया। लेकिन ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि जो ये चेंज स्पेलिंग है वो उसको कैरी ऑन करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह जो स्पेलिंग थी वो फॉकनर से ये फॉकनर ये बन गए। और इनके जन्म की अगर बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन September 25, 1897। Born on September 25, 1897, and he began to write poetry as a teenager. जब टीनेजर थे तब से ही इन्होंने जो पोएट्री है उसको लिखना शुरू कर दिया था। फॉकनर वॉज प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय हिज फैमिली। profoundly affected by his family. क्लियर फ्रेंड्स? जो अफेक्ट हुए, जो डीपली अफेक्टेड थे, ये अपनी फैमिली से थे। और इनके फादर का जो नाम था वो था मरे फॉकनर। मरे फॉकनर बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। मरे फॉकनर हु मूव्ड फ्रॉम जॉब टू जॉब बिफोर बिकमिंग द बिजनेस मैनेजर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में जब बिजनेस मैनेजर हुए उससे पहले डिफरेंट जॉब्स उन्होंने चेंज की। और जब वहाँ आ गए तो उस मिसिसिपी में आने के बाद जो उनकी लाइफ है और वो है फैमिली है वो वहीं सेटल हो गई। ही वॉज अ इंडिफरेंट स्टूडेंट। अगर इनकी स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो एक इंडिफरेंट स्टूडेंट रहे हैं, बिल्कुल उदासीन स्टूडेंट। ही ड्रॉप्ड हिज हाई स्कूल व्हेन ही वॉज 15। He was an indifferent student. He dropped his high school when he was 15. जब 15 साल के थे तभी हाई स्कूल जो है उसको छोड़ दिया। बात क्लियर फ्रेंड्स? ड्यूरिंग वर्ल्ड वार I, जो वर्ल्ड वार I के दौरान उन्होंने ज्वाइन कर ली कैनेडियन रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स। During World War I, he joined the Canadian Royal फ्लाइंग कॉर्प्स, कैनेडियन जो रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स थी उसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जो यूएस एयरफोर्स था उसको ज्वाइन करने के लिए जो उनका स्टेचर था यानी जो हाइट थी वो कम थी, उसको इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो कैनेडियन जो रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स है उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बात क्लियर फ्रेंड्स। तो फॉकनर की बात करें तो विलियम कथबर्ट फॉकनर ये पूरा नाम था, और जो फॉकनर इनका सरनेम रहा है जो ये अब लिखते हैं वो नहीं था, एक्चुअल में जो ओरिजिनल था वो उसमें यू नहीं था, एक एडिटर ने मिस्टेकनली ये जो सरनेम था ये लिख दिया, और इसके बाद ऑथर ने जो नया सरनेम था उसको अडॉप्ट करने का डिसीजन ले लिया। पैदा हुए 25 सितंबर 1897 में। फैमिली, ही वॉज प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय हिज फैमिली। और फॉकनर की अगर बात करें तो फादर थे मरे फॉकनर, और फॉकनर इंडिफरेंट स्टूडेंट रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज हाई स्कूल व्हेन ही वाज 15, 15 साल की उम्र में थे और जो हाई स्कूल था उसको छोड़ दिया। एंड ही जॉइंड द कैनेडियन रॉयल एयर फोर्स, जो कैनेडियन रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स है उसको उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि जो यूएस एयरफोर्स है उसको ज्वाइन करने के लिए जो उनकी हाइट थी वो पर्याप्त नहीं थी। पॉइंट्स क्लियर हुए फ्रेंड्स। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद ही केम बैक टू ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड वो आ गए एंड एनरोल्ड एज अ स्पेशल स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद ही केम बैक टू ऑक्सफर्ड वो ऑक्सफर्ड आ गए, और ऑक्सफर्ड आने के बाद एनरोल्ड एज ए स्पेशल स्टूडेंट एक स्पेशल स्टूडेंट के रूप में एनरोल हो गए एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। At the University of Mississippi. Mississippi की स्पेलिंग देखिए फ्रेंड्स, डबल एस दो बार आता है और डबल पी भी दो बार आता है, मिसिसिपी। क्लियर फ्रेंड्स। ही बिगन टू राइट फॉर द स्कूल पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो स्कूल पेपर्स होते हैं और मैगजीन्स होती हैं उनके लिए उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और एक जो रेपुटेशन है उनकी वो बन गई एज एन एक्सेंट्रिक, एक सनकी के रूप में उनकी रेपुटेशन हो गई। ही बिगन टू राइट स्कूल पेपर्स एंड मैगजीन्स, स्कूल पेपर्स के लिए और मैगजीन्स के लिए। क्लियर फ्रेंड्स। क्विकली ही अर्न्ड अ रेपुटेशन as an eccentric, 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 eccentric। बात क्लियर फ्रेंड्स। हिज स्ट्रेंज रूटीन, अब एक्चुअल में क्या था उनका जो रूटीन था वो स्ट्रेंज था। स्वैंकी ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग हैबिट्स थी दोज वर स्वैंकी, तो उसके कारण इनको एक निकनेम दे दिया गया, और निकनेम क्या था फ्रेंड्स, काउंट नो काउंट। क्लियर फ्रेंड्स। हिज स्ट्रेंज रूटीन एंड स्वैंकी ड्रेस हैबिट्स brought him A nickname brought him the nickname Count No Count. पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद ही बिकेम पोस्ट मास्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। 1921 में इन द ईयर 1921 ही बिकेम द पोस्ट मास्टर ऑफ यूनिवर्सिटी। वहाँ यूनिवर्सिटी में वो पोस्ट मास्टर बन जाते हैं, लेकिन 3 साल के बाद उस पोस्ट से वो रिजाइन कर देते हैं। He became the postmaster of the university in 1921. 1921 में पोस्ट मास्टर बन जाते हैं, but resigned there after 3 years. पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखते हैं क्या लिखा हमने। आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद वो ऑक्सफर्ड आ जाते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में एज अ स्पेशल स्टूडेंट वो एनरोल हो जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद जो स्कूल पेपर्स और मैगजीन्स थी उनके लिए लिखना शुरू कर दिया और एक जो रेपुटेशन उनकी बन गई, एक एक्सेंट्रिक के रूप में वो उनकी एक इमेज बन गई। और स्ट्रेंज रूटीन और स्वयं की जो ड्रेसिंग हैबिट्स थी उनके कारण उनका निकनेम एक मिल गया उनको, काउंट नो काउंट। ही बिकेम अ पोस्ट मास्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पोस्ट मास्टर बन जाते हैं इन द ईयर 1921, लेकिन 3 इयर्स के बाद वहाँ से वो क्या करते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इन द ईयर 1924, 1924 में हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री, एक फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री थी उनकी, द मार्बल फॉन, वो पब्लिश हुई। लेकिन जो क्रिटिकली इसको पैंड कर दिया गया और जो बायर्स थे इसके, वेरी फ्यू बायर्स इसको मिले। इन द ईयर 1924, 1924 में हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री द मार्बल फॉन The Marble Fawn published. Clear friends? और इसके बाद in early 1925 मीन्स 25 के स्टार्टिंग के मंथ्स में फॉकनर और एक उनका फ्रेंड था, दोनों ही ने ट्रेवल किया न्यू ऑर्लियंस। कहाँ गए? न्यू ऑर्लियंस। क्लियर फ्रेंड्स। इन अर्ली 1925 फॉकनर एंड अ फ्रेंड traveled to New Orleans. न्यू ऑर्लियंस ट्रेवल किया। न्यू ऑर्लियंस में उनकी मुलाकात होती है एक नॉवलिस्ट थे, इस नॉवलिस्ट से जिसका नाम था शेरवुड एंडरसन। यू कैन सी देयर ही मैट अ नॉवलिस्ट शेरवुड एंडरसन। किससे मिले? शेरवुड एंडरसन से। और उनकी जो फ्रेंडशिप रही है एंडरसन से, उसने इंस्पायर कर दिया उनको, एंडरसन ने उनको इंस्पायर किया टू राइट नॉवल। पोएट्री की जगह उनको नॉवल लिखने के लिए इंस्पायर किया। किसने? एंडरसन ने। क्लियर फ्रेंड्स। हिज फ्रेंडशिप विद एंडरसन inspired him to write novels. नॉवेल्स लिखने के लिए उनको इंस्पायर किया और इसी दौरान शॉर्ट ड्यूरेशन में उनका जो फर्स्ट नॉवेल था सोल्जर्स पे वो पब्लिश हो जाता है इन द ईयर 1926. हिज फर्स्ट नॉवेल द सोल्जर्स पे published in 1926. बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स. सोल्जर्स पे जो था नोवेल उनका वो 1926 में पब्लिश हुआ और इसी के साथ साथ यहाँ जो फॉकनर है उन्होंने एक यूरोप का भी टूर किया लेकिन वहाँ से वो जल्दी ही लौट आए. इसके बाद उनके 4 मोर नॉवेल्स पब्लिश हुए. 26 से लेकर 31 के बीच उनके 4 और नॉवेल्स आए और उनमें अगर देखें तो नाम आता है 26 से 31 के बीच जो आए उसमें एक नाम आता है सबसे पहले नाम आता है मॉस्किटोज़ का जो आया था 1927 में. क्या मॉस्किटोज 1927. सार्टोरिस था 1929 में. सार्टोरिस और 1929 में एक और उनका मास्टरपीस पब्लिश हुआ जिसका नाम था द साउंड एंड द फ्यूरी. नाइनटीन 1929 में. और एज आई ले डाइंग, एज आई ले डाइंग वो आया 1930 में. तो पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स. पोएट्री की फर्स्ट जो बुक थी उनकी द मार्बल फॉन पब्लिश हुई 1924 में. 25 में मुलाकात हो जाती है एंडरसन से. एंडरसन ने उनको प्रेरित किया. उस दोस्ती जो हो गई एंडरसन से उससे इंस्पिरेशन होकर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया नॉवेल्स को और नॉवेल्स 26 में फर्स्ट नॉवेल उनका सोल्जर्स पे पब्लिश हुआ और 26 के बाद 27 में मॉस्किटोज आ गया, सार्टोरिस आ गया 29 में और साउंड एंड फ्यूरी आ गया और एज आई ले डाइंग 1930 में आ गया. पॉइंट्स क्लियर. चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. 1929 में ही उनकी शादी हो जाती है एस्टेले ओल्डहम से. ही मैरिड एस्टेले ओल्डहम. क्लियर फ्रेंड्स. और ही लिव्ड विद हर एंड हर 2 चिल्ड्रन फ्रॉम अ प्रीवियस मैरिज. मिसिसिपी ऑक्सफोर्ड में वो रहे हैं एस्टेले ओल्डहम के साथ और उसके 2 बच्चे थे उसकी प्रीवियस मैरिज से. क्लियर फ्रेंड्स. और फॉकनर की अगर बात करें तो ही इज़ परहैप्स ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द ट्रू अमेरिकन मॉडर्निस्ट प्रोज फिक्सन राइटर. जो प्रोज फिक्सन था, प्रोज फिक्सन मॉडर्निस्ट प्रोज फिक्सन राइटर उनको माना जाता है इन 1930s के दौरान. क्लियर फ्रेंड्स. ही इज कंसीडर्ड टू बी द ट्रू अमेरिकन मॉडर्निस्ट प्रोज फिक्सन राइटर. बात क्लियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ जो नाम आते हैं कुछ, अगर एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशनलिस्ट जो यूरोपियन ऑथर्स थे उनमें नाम आता है, जेम्स जॉयस का आता है, वर्जीनिया वोल्फ का आता है, और अमेरिका में इनका नाम आता है। बात क्लियर फ्रेंड्स। और इन्होंने जो कुछ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जैसी जो लिटरेरी टेक्निक्स थी वो इन्होंने अपनी जो नॉवेल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ की। मीन्स ही वॉज नोन फॉर यूजिंग लिटरेरी टेक्निक्स सच एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, known for using stream of consciousness। क्लियर फ्रेंड्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के साथ साथ मल्टीपल नरेशन एक टेक्निक होती है उसको इन्होंने यूज़ किया, और टाइम शिफ्ट को इन्होंने यूज़ किया। क्लियर फ्रेंड्स। एंड टाइम शिफ्ट्स को यूज़ किया, और टाइम शिफ्ट के साथ साथ यूज़ किया मल्टीपल नरेशंस। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। एक नॉवलिस्ट के साथ साथ एक प्रोलिफिक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी फॉकनर रहे हैं, और उनका जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ 1931 में, 1931 में, और उसका टाइटल था फ्रेंड्स दीज 13, published in 1931। Friends, during the 1930s, in order to arrange money, in order to make money, पैसा कमाने के लिए फॉकनर क्राफ्टेड ए सेंसेशनल पल्प नावल, एक डिज़ाइन किया उन्होंने, एक पल्प नावल लिखा जिसको टाइटल दिया सेंचुरी, और उसकी जो थीम थी वो थी फ्रेंड्स इविल एंड करप्शन। किसकी फ्रेंड्स? सेंचुरी। और ये आया 1931 में, एक पल्प नॉवल इसको कहा जाता है, और इसी के साथ साथ थीम थी इसकी इविल एंड करप्शन। थीम इविल एंड करप्शन। किसकी बात हो रही है? सेंचुरी की। इसी के साथ फ्रेंड्स 1949 में इनको एक इम्पॉर्टेंट एक लिटरेचर का जो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है जिसको अब नोबेल प्राइज़ के नाम से जाना जाता है वो इनको 1949 में मिला। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा। मैरिज हो जाती है 1929 में एस्टेल ओल्डहम से, और उनको ट्रू अमेरिकन मॉडर्निस्ट प्रोज फिक्शन राइटर माना जाता है 1930s के। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस और मल्टीपल नरेशन और टाइम शिफ्ट जैसी जो टेक्निक थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ की अपने वर्क्स में, और फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन था, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था दीज 13 जो आया 1931 में। एक सेंसेशनल पल्प नॉवल भी लिखा जिसको टाइटल दिया सेंचुरीज जो आया 1931 में, जिसकी थीम थी इविल एंड करप्शन, और 1949 में ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 1949 टू 1953, 1949 से लेकर 1953 के बीच ही हैड एन अफेयर विद जॉन विलियम्स। जॉन विलियम्स से उनका अफेयर रहा है। 1949 से 1953. He had an affair with जॉन विलियम्स. जॉन विलियम्स से अफेयर रहा, जिसको उन्होंने एक नॉवल लिखा था द विंटरिंग, 1971 में पब्लिश हुआ था. उसमें उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया. क्लियर फ्रेंड्स, नेशनल बुक अवार्ड, यूएस नेशनल बुक अवार्ड प्राइज़ इनको 2 बार मिला. यूएस नेशनल बुक अवार्ड कितनी बार मिला फ्रेंड्स? 2 बार मिला. और किस किस के लिए मिला? एक तो मिला कलेक्टेड स्टोरीज 1951 1951 में मिला, और जो दूसरा मिला फ्रेंड्स अ फेबल 1955. उन्नीस में मिला. क्लियर फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ पुलित्जर प्राइज़ भी इनको 2 बार मिला. 2 बार पुलित्जर प्राइज़ इन्होंने पाया. और पुलित्जर प्राइज़ जो मिला इनको वो किस किस के लिए मिला, कब कब मिला पुलित्जर प्राइज़? एक तो मिला इनको 1955 में, 1955 में, और वो मिला नॉवल पुलित्जर प्राइज़. एक तो मिला फ्रेंड्स 1955 में यही नॉवल अ फेबल, फेबल के लिए. किस सन में? 1955 में. और दूसरा जो पुलित्जर मिला इनको वो मिला फ्रेंड्स पोस्थुमसली, यानी पोस्थुमसली मिला 1963 में, और उनका एक नॉवल था द रेवियर्स. द रेवियर्स. और रेवियर्स के लिए मिला पोस्थुमसली 1963 में. बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स. तो प्राइज़ की यहाँ बात हो गई, नोबेल प्राइज़ भी मिला. और इसी के साथ साथ इनके ऑनर में जो यूएस पोस्टल सर्विस है, यानी जो डाक विभाग की सेवा है, उसने 22 सेंट का एक पोस्टल स्टैम्प जो है वो जारी किया इनके सम्मान में. वो जारी किया था 1987 में, 1987 में. द यूएस स्टेट पोस्टल सर्विस ने क्या जारी किया? 22 सेंट पोस्टेज स्टैम्प, और वो किया फ्रेंड्स 1987 में. तो बातें क्लियर हो गई. देखिए, जॉन विलियम्स के साथ अफेयर रहा 1949 से लेकर 1953 तक. और एक नॉवल रहा है द विंटरिंग. द विंटरिंग 1971 में आया, उसमें इन्होंने इस अफेयर को एक्सेप्ट किया है. 2 बार इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला, कलेक्टेड स्टोरीज़ के लिए मिला और फेबल के लिए मिला. फेबल को 2 अवार्ड मिले, यानी कलेक्टेड ये यूएस नेशनल अवार्ड भी मिला और साथ साथ पुलित्जर प्राइज़ भी मिला. पुलित्जर मिला इसको 1955 में. रेवियर्स को पोस्थुमसली पुलित्जर प्राइज़ मिला इन द ईयर 1963. और 22 सेंट का एक पोस्टल जो स्टैम्प होता है, पोस्टेज स्टैम्प, वो यूएस पोस्टल सर्विस ने इनके सम्मान में इन पे जारी किया इन द ईयर 1987. तो पॉइंट्स क्लियर है. चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. अगर फॉकनर की बात करें तो फॉकनर ने ये रहे हैं राइटर इन रेजिडेंस. और राइटर इन रेजिडेंस ये जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में रहे. 2 बार ये रहे, एक बार तो 1957 के आसपास रहे कुछ टाइम के लिए, और फिर 1958 में. क्लियर फ्रेंड्स, 57 और 1958 2 बार रहे. कुछ टाइम के लिए 57 में रहे, यानी लगभग फरवरी से जून के आसपास तो 57 के में टाइम था, और फिर 1958 में रहे हैं. क्या रहे हैं? राइटर इन रेजिडेंस. in the University of Virginia. यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में. क्लियर फ्रेंड्स. और इसके बाद फ्रेंड्स 1962 में लगभग जून के आसपास का टाइम था, एक सीरियस इंजरी हो गई उनको, अपने घोड़े से गिर गए थे. क्लियर फ्रेंड्स. इन द ईयर 1962 ही गॉट सीरियसली इंजर्ड after falling from his horse. क्लियर फ्रेंड्स. और इसके बाद अंतिम समय नज़दीक आया और इन द ईयर 1962 1662 में ही लगभग जुलाई के आसपास का टाइम था, और उस जुलाई के आसपास का टाइम था उसमें क्या हुआ, ये एक फैटल इनको हार्ट अटैक हुआ एंड ही डाइड. और किससे मरे? ड्यू टू अ फैटल हार्ट अटैक. और जो बॉडी है, डेड बॉडी, सेंट पीटर्स सीमेट्री है वहां पे बैरीड कर दी गई. क्लियर फ्रेंड्स. ही वॉज बैरीड एट सेंट पीटर्स सीमेट्री. सेंट पीटर सिमेट्री में बैरीड कर दिए गए. और फ्रेंड्स अगर हम ऑथर की बात करें तो इन्होंने एक फिक्शनल, एक इनके जो नॉवेल्स रहे हैं वो एक फिक्शनल सिटी इन्होंने एक दिया है और जिसका नाम है योकनापटावाफा. WAPHA योकनापटावाफा. क्लियर फ्रेंड्स. तो योकनापटावाफा जो कंट्री है वो एक फिक्शनल कंट्री इन्होंने इनके जो नॉवेल्स रहे हैं उसमें इन्होंने कॉइन किया. और एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन आया है कि इन्होंने जो लिखा है फ्रेंड्स, जो यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट को इन्होंने लिखा. ही रोट द सदर्न पार्ट ऑफ द यूएस. बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स. सदर्न पार्ट, वहाँ ऑप्शन पूछ ले, नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न. क्लियर. तो बात कर लेते हैं. राइटर इन रेजिडेंस रहे, कुछ टाइम 57 में रहे, कुछ टाइम 58 में रहे. कहाँ रहे? वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में. 1962 में ही घोड़े से गिर जाते हैं, सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद ड्यू टू हार्ट अटैक ही डाइट. जो डेड बॉडी रही है वो सेंट पीटर्स जो सिमेट्री है वहाँ पर बैरीड की गई, और जो फिक्शनल टाउन इनका रहा है वो रहा है योकनापटावाफा. और इसी के साथ साथ जो सदर्न पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का उसको इन्होंने लिखा. तो क्लियर फ्रेंड्स, बायोग्राफी कंप्लीट हुई ऑथर की, और आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी. चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑथर के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें. चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और फ्रेंड्स हाँ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.